नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ पीएफ में नॉमिनी ऐड कैसे करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप सबको मैं बता दूँ कि जनवरी 2022 के बाद पीएफ में नॉमिनी ऐड करने का प्रोसेस बदल चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। और आप पीएफ में बिना नॉमिनी को ऐड किए हुए आप अपना पीएफ का पासबुक भी नहीं देख सकते हैं, नहीं आप विड्रॉल का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबको मैं यही बताने वाला हूँ कि पीएफ के नई ऑडिट में पीएफ में नॉमिनी ऐड कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप सबको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह का हर वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पीएफ में नॉमिनी का डिटेल ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप से किसी भी नेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है और आपको सर्च बार में टाइप करना है ईपीएफ इंडिया। इतना ही लेकर आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो लिंक मिल रहा है epfindia.gov.in, आपको इस लिंक पे ही क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आना है जहाँ पे लिखा ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, आपको इस पे ही क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस वेबसाइट में लॉगिन होना है। यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर डाला है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाला है, स्क्रीन जो कैप्चा डाला है, इसको तो आपको साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों, यदि आपको अपना यूएन नंबर पता नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पता नहीं है, तो आप अपने कंपनी के एचआर से मांग सकते हैं या इस पे मैं सेपरेट वीडियो को बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखकर आप पता कर सकते हैं अपना यूएन नंबर। तो हमारे केस में सब कुछ है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपना यहाँ पे यूएन नंबर डाल दिया हूँ, इसके नीचे पासवर्ड डाल दिया हूँ, इसके नीचे यहाँ पे कैप्चा को डाल दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम साइन इन के बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की नई पेज आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दो पे नॉमिनी का ही डिटेल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको लेटर के बटन पे क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह की नई पेज आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, नॉमिनी का डिटेल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे मैनेज पे आना है मेनू बार में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको नॉमिनेशन, तो आपको इसमें क्लिक करना है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एरर आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है कि अनेबल टू प्रोसेस, प्लीज अपलोड योर प्रोफाइल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल को चेक करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद सबसे ऊपर आपको मिलेगा प्रोफाइल, आपको इसमें ही क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से आपको अपना प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फोटो अपडेट नहीं है, हम फोटो सबसे पहले अपडेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें अपना एड्रेस अपडेट करना है, तो फोटो को अपडेट करने के लिए यहाँ पे लिखा है चेंज फोटो, आपको इस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसको डाउनलोड के नीचे आना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, इसके लिए आपको ब्राउज पे क्लिक करना है, जहां पे तीर का चिन्ह दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। दोस्तों, आप जहां भी फोटो रखे हैं यहां से आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है, तो यहां पे चलिए हम फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ओपन के बटन पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि आपको जो फोटो लगाना है वो किस साइज का होना चाहिए, यहाँ पे आपको बताया गया है। फोटो अपलोड हो जाने के बाद में आपको इसको डाउनलोड के नीचे आना है और दोस्तों, इस फोटो को आपको एडजस्ट करना है, इसके लिए आपको यहाँ से जूम करने के लिए आपको इस पे क्लिक करेंगे तो फोटो यहाँ पे जूम हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो घेरा यहाँ पे दिया गया है, इस घेरा के अंदर ही आपको फेस को रखना है, इसके लिए आपको यहाँ के नीचे करेंगे तो इस तरह से आपको फोटो को एडजस्ट कर लेना है। और इसको और बड़ा करना चाहते थे यहाँ से और बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से आपको फोटो को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको फोटो आ जाएगा। इसके बाद फोटो को अपलोड करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, जहां पे लिखा हुआ है अपलोड फोटोग्राफ। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा और दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप श्योर है फोटो अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा समय तक वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, जिससे यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको इसको डाउनलोड के नीचे आना है। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो भी डिटेल अपडेट नहीं है यहाँ से आपको अपडेट करना है, जिससे कि मान लीजिए कि हमारा एड्रेस अपडेट नहीं है, एड्रेस हमें अपडेट करना है, तो एड्रेस के सामने जो यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिख रहा है यहाँ पे, आपको इस पे क्लिक करना है। तो इसमें सब जो भी अपडेट करना चाहते हैं उसके सामने आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। तो हम एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो एड्रेस के सामने हम पेंसिल के आइकन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो भाग में आया है हमारा, इधर
परमानेंट एड्रेस होगा, इधर हमारा करंट एड्रेस होगा। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल दिया हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस डालना है, आपके जो आधार कार्ड पे लिखा है उसी के अनुसार आपको एड्रेस यहाँ पे डालना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स को टिक करना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो इधर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है और इधर आपको अपना करंट एड्रेस डालना है। तो फ्रेंड्स हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो मैं इस बॉक्स को टिक कर देता हूँ, तो आपका वही एड्रेस इधर भी फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि एड्रेस सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ दोस्तों हमारा एड्रेस अपडेट हो चुका है। दोस्तों इसके लिए कोई भी ओटीपी नहीं आता है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे प्रोफाइल के बटन जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो भी अपडेट हो चुका है और एड्रेस भी अपडेट हो चुका है। दोस्तों इसके बाद नॉमिनी का डिटेल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ मैनेज मेनू बार में, तो आपको मैनेज में ही क्लिक करना है। तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा, इसमें आपको इस पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है ई नॉमिनेशन, तो आपको ई नॉमिनेशन पे ही क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हैविंग फैमिली, आपके पास फैमिली है तो आपको यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि ब्रदर और सिस्टर या फ्रेंड फैमिली के अंतर्गत तो नहीं आते हैं, तो यदि आपके फैमिली है तो आपको यस पे टिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों आप जिनका नाम ऐड करना चाहते हैं नॉमिनी में उनका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी डिटेल आपको फिल करना है आधार कार्ड से ही फिल करना है। पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर डाला है, इसके बाद उनका यहाँ पे नाम डाला है, इसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ डाला है, इसके बाद उनका यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, इसके बाद उनसे आपका क्या रिलेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है, और इसके बाद उनका यहाँ पे एड्रेस डालना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि आपका एड्रेस यानी कि जिनके नाम से पीएफ अकाउंट है उनका एड्रेस और जिनका नाम आप पीएफ का नाम आप नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं दोनों आदमी का एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स को टिक करना है। इस बॉक्स को आप टिक करेंगे तो ही एड्रेस आपका फिल हो जाएगा जो आपने पहले से फिल किया है। यदि नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का एड्रेस डाल देना है और यहाँ पे नॉमिनी का फोटो अपलोड करना है। नॉमिनी का फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको नॉमिनी का फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको पिट व्यू पे क्लिक करना है। फोटो यदि एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, ओके के बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों हम जिनका नाम नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं उनका डिटेल यहाँ पे मैंने फिल कर दिया हूँ। यदि आप किसी और का भी नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं तो आपको इसको और डाउनलोड के नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे मिलेगा ऐड रो, आप इस पे क्लिक करेंगे और दोस्तों आप और भी किसी का नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरह से उनका भी आप यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं। उनका आधार नंबर यहाँ पे नाम इस तरह से आप डालेंगे तो ऐड हो जाएगा। आपको स्कोर डाउन के नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, आपको इस बॉक्स को यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे मिलेगा आपको सेव फैमिली डिटेल्स, आपको इस पे ही क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आ चुका है फैमिली डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। दोस्तों नॉमिनी का डिटेल एड हो चुका है लेकिन नॉमिनी का डिटेल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको स्कोर डाउन के नीचे आना है। एक छोटा सा आपको और काम करना है, यहाँ पे आना है जहाँ पे लिखा हुआ है ईपीएफ नॉमिनेशन, इस पे आएंगे तो आपको इस बॉक्स को यहाँ पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है कि आप कितना परसेंट शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों यदि आप अपने नॉमिनी में 2-3% का नाम ऐड किए हैं तो यहाँ पे आपको वो चीज डालना है कि किस पर्सन को कितना शेयर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नॉमिनी का डिटेल 1% का ऐड है और यहाँ पे मैं 100% डालता हूँ क्योंकि मैं 100% शेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद आपको सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, फिर आपको स्कोर डाउन करके नीचे आना है और आपको नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा पेंडिंग नॉमिनेशन, आपको इसको वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा ई साइन, तो ई साइन के जो नीचे यहाँ पे लोगो दिख रहा है आपको इस पे ही क्लिक कर देना है। इसको आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आपको इस बॉक्स को टिक करना है जो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के रूप में दिया गया है। जैसे आप इस बॉक्स को टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पूछ रहे हैं आधार नंबर या वर्चुअल आईडी। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे जो आधार नंबर डाला है या वर्चुअल आईडी किन का डाला है, यानी कि जिनके नाम से पीएफ है उनका डाला है या नॉमिनी का डाला है। तो
तो दोस्तों जिनके नाम से पीएफ है उनका आधार नंबर या विजुअल आईडी डाले हैं। तो फ्रेंड्स आप जो डालना चाहते हैं उसको आपको टिक करना है, जिससे कि मान लीजिए आधार नंबर डालना चाहते हैं तो आपको इस पर टिक करना है। इसको आपको नीचे आधार नंबर डालना है, इसके बाद आपको गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करना है। तो आपके जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा और यहाँ पे आपको ओटीपी को डालना है। इसके बाद आपको नीचे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है तो आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। तो आपको ओटीपी को डाल देने के बाद में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन सक्सेसफुल हो चुका है। फ्रेंड्स इस तरह से आप नॉमिनी का डिटेल ऐड कर सकते हैं ईपीएफ अकाउंट में। तो फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।